हेलो, नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब? सो मैं सुधीर, आप सबका एब्रॉड जॉब गुरु, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है, मैं समय समय पे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सो जॉब से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो आता रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले हमारे दो सब्सक्राइबर हैं, उनकी कुछ कंप्लेन है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि सर आपने यूएस आर्मी कैंप बेस कुवैत के लिए वैकेंसी डाली थी, उसका मैंने अप्लाई किया तो कंपनी की तरफ से रिप्लाई आया कि वैकेंसी 6 महीने पहले ही ओवर हो चुकी है। सो मेरे भाई, सारे सब्सक्राइबर को मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करें या फिर हमारा वीडियो आपको मिलता है तो सबसे पहले आप फिल्टर पे जाइए, वहां पे टुडे या दिस वीक का वीडियो देखिए, तो उसमें जॉब से रिलेटेड जो न्यू वैकेंसी रहेगी उसका डिटेल आपको मिलेगा। सो जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे सो उसका रिप्लाई आपको एम्प्लॉयर की तरफ से आएगा, क्योंकि जो वैकेंसी ऑलरेडी 6 मंथ पहले ओवर हो चुकी है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो वैकेंसी तो ओवर ही हो ही जाएगा ना मेरे भाई। तो आइए बात करते हैं सेकंड कंप्लेन की। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर जी, मैंने एम्प्लॉयर को अराउंड 10 से 15 एम्प्लॉयर को मैंने मैसेज डाल चुका हूं, मेरा सीवी सेंड कर चुका हूं, डॉक्यूमेंट सेंड कर चुका हूं, लेकिन किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। सबसे पहले मैंने उनका सीवी मांगा कि भाई आप मुझे आपका सीवी सेंड कर दीजिए। उन्होंने मुझे मेरा उनका सीवी सेंड किया, तो सीवी एज अ यूजुअल इंडियन स्टाइल में था, जैसे जो फॉर्मेट यहाँ पे इंडिया में चलता है वैसे ही फॉर्मेट पे उनका सीवी था। तो मेरे भाई, अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप गल्फ के लिए सऊदी दुबई ओमान कतर बहरीन मस्कत कुवैत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी और फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, अगर कहीं के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, उस कंपनी का आप उस कंट्री का फॉर्मेट देखिए कि उस कंपनी में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, किस फॉर्मेट में सीवी एक्सेप्ट करती हैं। तो आप उस फॉर्मेट के लिए सीवी बनाइए और एक कवर लेटर भी बनाइए विद पासपोर्ट एंड ऑल योर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, उसके साथ में आप एम्प्लॉयर को सेंड कर दीजिए। और सीवी में आपको दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है मेंशन करना, सबसे पहला आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेकंड थिंग आपको एक्सपीरियंस क्या क्या है, एंड थर्ड थिंग आपका पासपोर्ट डिटेल्स, कि आपको पासपोर्ट डिटेल्स क्या है। ये सब डिटेल्स आप मेंशन करेंगे सीवी में तो रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उस टाइम पे दुबई में है, उनका वहां से हमारे को हमको मैसेज आता है कि सर दुबई में हूँ, पिछले 1.5 महीने से एक एजेंट के साथ आया था, ऑलरेडी 70,000 हमसे ले चुका है, रोज नई नई कंपनियों में इंटरव्यू कराता है, विजिट वीजा देके हमें यहाँ पे बुलाया था, तो वहां पे बोला था जब मैं इंडिया में था कि आपका जॉब कन्फर्म है आ जाइए, और यहाँ पे आके पता चलता है कि जॉब ही नहीं है और नए नए कंपनियों में रोज इंटरव्यू करवाता है, मैं फ्रेशर हूँ तभी यहाँ पे जॉब कैसे सर्च करूँ। तो मेरे भाई, सबसे बड़ी गलती तो आपने ये किया कि आपने उसको पेमेंट पहले कर दिया। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं जो फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, भाई मनी बहुत हार्ड अर्निंग आता है, आप किसी को एक भी रुपया देने से पहले आप 100 बार सोचें। जैसा मैं मेरे कैंडिडेट से कहता हूँ कि इस चैनल पे जो भी वैकेंसी आती है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, आपको किसी भी एम्प्लॉयर को या किसी भी पर्सन को आपको कुछ भी लेने देने की जरूरत नहीं होती है, पूरी वैकेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, फ्री रिक्रूटमेंट रहता है, जो भी प्रोसेस रहता है पूरा एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है, किसी भी एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप डायरेक्टली अपना सीवी एम्प्लॉयर को सेंड कर सकते हैं, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है सो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कॉल आ जाएगा। तो बात करते हैं उस कैंडिडेट की, तो सबसे पहले मैं सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो चाहे हमारे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमेशा एक कोशिश करें कि एक ट्रस्टेड एजेंट के थ्रू जाएं, अगर आप जा ही रहे हैं तो किसी को भी एक भी रुपया एडवांस में ना दें। वहां पे आप जॉब पहुंच जाते हैं, आपका जॉब लग जाता है, उसके बाद अप्लाई आप उनको पेमेंट करें। और सेकेंड थिंग, अगर आप इंडिया से ही फ्लाई करना चाहते हैं तो कभी विजिट वीजा पे ना जाएं, जो भी कैंडिडेट जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए जाते हैं, आप वर्क परमिट लेके जाएं, एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके जाएं, तो वहां पे जाने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जॉब में नहीं होने पाएगी, आप डायरेक्टली यहां से जाएंगे और वहां पे आप जॉब ज्वाइन करेंगे। सो आप लोग ऐसा गलती कभी मत करिएगा, हमेशा विजिट वीजा पे ना जाएं, क्योंकि
बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सिर्फ आपका हार्ड अर्निंग मनी नहीं लेंगे, आपको 10 दिन राउंड लगवाएंगे, आप घर से जो 25-50 हज़ार लेके गए रहेंगे वो भी पूरी तरह से आपका फिनिश कर देंगे, उसके बाद फिर आपको वापस भेज देंगे। आप एक दूसरे देश में हो, आप वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते, ना आप लड़ाई कर सकते हो ना झगड़ा कर सकते हो, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वापस अपने कंट्री आप एम्प्टी हैंडेड आना पड़ेगा। सो बातें हो गई, चलिए बात करते हैं आज के वैकेंसी की। सो आज हमारे पास जो वैकेंसी है ताऊ सिला फूड फैक्ट्री के लिए, एक डिलीवरी कंपनी है, ये कंपनी पूरे दुबई में खाना सप्लाई करती है, एक चेन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, जैसे अपने इंडिया में जोमेटोज हो गए, स्विगी वगैरह हो गए, वैसे दुबई में ताऊ सिला करके फूड फैक्ट्री है, फूड डिलीवरी कंपनी है। कंपनी को 25 नंबर्स डिलीवरी बॉयज की जरूरत है, मिनिमम कैंडिडेट का 10th कंप्लीट होना चाहिए, इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, 2-व्हीलर ड्राइविंग उनको आनी चाहिए। अगर आप यूएई का लाइसेंस है तो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने कोई काम किया, आपको एक्सपीरियंस है तो आपके रेज्यूम में जरूर मेंशन करें, रेज्यूम में आपका पासपोर्ट डिटेल जरूर मेंशन करें, इससे भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरा बात, आपका पासपोर्ट डिटेल करने के साथ में आप एक कवर लेटर भी बनाएं जो आपको एम्प्लॉयर को सेंड करें। तो सेंड किसको करना है, आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो रहा है कंपनी का, डायरेक्टली आप उनको अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फ्री रिक्रूटमेंट है, आपको किसी को भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जो भी प्रोसेस रहेगा कंप्लीटली फ्री रहेगा, वीजा टिकट कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, डायरेक्ट 2 ईयर का एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा, कंपनी 2,500 से 3,500 सैलरी देगी, दिरहम में रहना खाना कंपनी देगी, कंप्लीट प्रोसेस कंपनी द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। सो सबसे पहली बात यह है कि आप किसी एजेंट के थ्रू बचेंगे, आपके लाखों रुपए बच रहे हैं, भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लाखों रुपए बचा रहा हूँ, एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है, और वैसे आपके लाखों रुपए लाइफ टाइम बचते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, तो जॉब से रिलेटेड जो भी नया वीडियो आता रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।